माश की दाल का पराठा खाएं। माश की दाल का पराठा, कभी मूलियों वाला पराठा, कभी आलू वाला पराठा, तड़े घर कीमा नहीं आंदा। भाई नु कहे कीमे वाला पराठा ही खुआ देना सी। अच्छा भाई आज आप ये खा ले, कल मैं उनसे पक्का कीमा मंगवा के ना आपको कीमे वाला पराठा बना के दूंगी। हाँ जी हाँ जी, वैसे थोड़ा जा नीला तोता भी पा लेना दे आस्ते। Oh, no. भाई भैन दे घर दा पानी हराम होंदा है। तो हाँ पानी हराम होता है ना, वो तो पराठा खा रही। जाओ मेरा भरा, शाबाश। यार बिलाल इधर आ, तेरा ते पुत्र मैं करना को पक्का ही हल। मैं तेरे मामे को लो बड़ा तंग आ, ते मेरा पुत्र इनू भेज इथों, नहीं ते मैं चला वा। अच्छा बाबा कर तू मैं कुछ। पुत्र की कह रहे सी तेरा प्यो? आपको अपने घर वालों की याद नहीं आती? हाँ बेटा याद तो बहुत आती है। फिर कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे, आप उन्हों के पास क्यों नहीं जाते? अगर आपने घर नहीं जाना तो उन्हों को भी यहाँ ही बुला लो। हाँ बिलाल कह तो तू ठीक ही रहा है, चल ठहर। जी भाई और भाभी चाय पिए, अपना ही घर समझे इसे। ओए बिलाल खड़ा हो, खड़ा हो, इधर आ। मैंने तुझे क्या कहा था? इनको क्या हो गए, ये क्यों इतने गुस्से में है? अरे गुस्से में नहीं है, वो बेसिकली हमारे लिए कुछ खाने के लिए मंगवाने लगे। अच्छा अच्छा, समझा करो, प्यार करते हैं जिस तरह मेरी बहन करती है उस तरह मेरे भाई भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुझे मैंने बोला था कि इसको यहाँ से निकाल, वो साथ अपनी बेगम को भी लेके आ गया। बाबा मैंने मामू को कहा कि आपको अपने घर वालों की याद नहीं आ रही। तो फिर मैंने मामू को कहा कि आप घर चले जाओ, यहाँ फिर घर वालों को यहाँ पे बुला लो। अच्छा फिर मामू ने मेरी पहली बात नहीं सुनी, दूसरी सुन ली। क्या कह रहे थे पापा? कुछ नहीं, तेरी वजह से आज मुमानी भी तेरे साथ आ गई तेरे घर में।